एक बाल्टी और चोकर की भर के डालनी बस। कितनी बड़ी? और छोटे वाली जी। छोटे वाले कौन सी? छोटी दो वाली छोटी अलग है, इतनी थी अलग दीजिए वहां से रखी। क्या मतलब भर के कट्टे में? कट्टे में एक बाल्टी भर के चोकर की डाल दे और जी एक कट्टे नीचे शीशो खड़ पड़ी वो सारी सारी डाल दिए और एक बाल्टी भर के जो पीड़ा कट्टा रखा पीले से कलर का वो देखे मैंने एक बाल्टी भर के उसमें डाल दी बस। बस कुछ नहीं करना बाकी आज चौके जाकर मार लो। क्या बजे आओगे तुम? हम तो रात को आऊंगे घर जाके बहू लेके तो आऊंगे बिना बहू कह देंगे सोख दे कहा ना बताया था तुमने सारी बात भूल गई चढ़ गया चढ़ा एक बाल्टी चोकर की एक बाल्टी फीड की वा। हाँ फीड रखी वही कट्टा ने रखा पीड़ा। अरे एक बाल्टी चोकर की हाँ और वो जो नीचे खड़ पड़ा है कट्टा खड़ उसमें वो सारी डाल दी सिरसों की खल चोकर और फीड तीन चीजें डालनी है। सुनो 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 एक तो ग्रीन वाला कुरकुरा पकड़ाइए मेरे से। आज ये जा रहे हैं मोहन के भाई का ब्याह है तो आज सारा डेयरी का काम मन्ने संभालना है। दूध तो टकाटक आज तो पूजा पता है पूरे देखो पौने 9:30 बजे उठी है और मुश्किल ठाई है ये मुझे धोखा आज जो तो सोई है मैं तो पूरा दिन रात सो सकू तुम्हें पता है मैं तो मेरे ऊपर बच्चा की जिम्मेदारी है मैं 6 महीने बिना उठू सो के कुंभकर्ण की तरह तेरी कसम सुन दो आज ये बहुत बड़ा धोखा दिया था ना मुझे जो पहले बताना मैं इतनी सारा काम निपटा देती बहसा ने पानी पिया पीऊ के हाँ बहस पानी पानी पहना दूध तो नहीं काटना मैं कैसे दूध काटू सारे बच्चा ने छोड़ दूंगी चूंग लेंगे सारे मन्ने गए हैं पूजा दूध लिकट जाएगा एक दिन ना जावेगा दूध और मैं ही पे उठ का यूं उठते मैंने इतने बुंडे शक्ल में क्यों दिखा हुआ है तुमने तो बुंडा और बढ़िया लागे जावे 24 घंटे भी रहना क्या वोड मिल लगा सुतरेपन का पूजा नीलम बांध के देखेगी हाथ पे पहले इसने क्या बांध रखा पुखराज दिखाइए दुनिया की सबसे अमीर वो बनना चाहती लेडी है पहले पुखराज पहन रही है अब नीलम भी ले आई नीलम को ट्राई कर रही है सुनार सुनार से बोली भैया मैं ट्राई करके देखूंगी पहले सूट करेगा नहीं करेगा आज सैटरडे है या खुद तो मैंने भी रहना कि छल्ले छाले पर आप रूक पूरी भगत नहीं बनावेगी और खुद भी दुनिया की सबसे अमीर लेडी बनना चाहती है पूजा याद हो गया गोसिप चाहे कोई पन्ना पुखराज नीलम कुछ नहीं छोड़ना इसने सब कुछ पैर लेगी गले में भी पाया में भी आता में भी सारे का ना पूजा ले मैं ना अपनी खातर पराठे ना बनाए तेरी खातर बनाऊंगी हमने कितना काम है बेरा है मैं पिया होता मैं गेट खोल कर तेरी चीजू आऊं एक बात हो गई भूल गया मैं क्या घास डाल दिए भैंस हो गया कि अगर चोकर मार दिए कौन सा घास डाल दूं मशीन में डाल के यह बार सोच सो के क्या था जागन लाग रहा है बकवास कर रहा है देख लो आज ना मुझे मतलब इन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया मेरे मैं इतनी देर से सो रही थी मजे से और मुझे आज बाहर भी जाना है मेरा फाइनल हो चुका है पूजा का मुंह बन गया है ठीक है मेरा फाइनल हो चुका है बाहर जाने का और मुझे ये पता होता ना कि आज ये मुझे इतना काम करना पड़ेगा मुझे लगा 11-12 बजे जाएंगे सारा काम निपटा के डेयरी का और मैं तो व्लॉग एडिट कर रही थी पड़ी पड़ी सो भी गई थी कई बार नींद आ जा कर देखो इन्होंने धोखा दिया मुझे शाह अपने आप तो जा रहे हैं शादी में दुल्हन लेने और मोहन के भाई की शादी है मैंने बताया है जैसे कि आपको तो मोहन भी साथ में जा रहा है भाई नहीं तो मोहन तो करता ही क्योंकि आज तो स्पेशल उसके भाई की शादी है तो आज मेरे भाई की शादी है वो तो जरूर जाएगा अपने भाई की शादी में और खांसी हो रही है आज पूरा मेरा सेम चढ़ रहा है कैसे भैंसों को पानी पिलाऊंगी आज मैं आपकी हेल्प करता पूजा मैं तीनों मिलके पिला देंगे पूजा तू बाल्टी पकड़ा दिए भर भर के पाइप ला के पिला दे मैं पाइप लगा के पिलाएं कैसे छोटी छोटी बाल्टी पकड़ा दी है ठीक है वो निकल कच्चा पैर लिए कुछ तेरे जीजू वाला जो तेरे जीजू पे भाई वहां पिला देंगे हम पानी है फिर दिखाती हूँ कैसे कैसे काम करती हूँ मैं आज डेयरी का काम में भी जिंदाबाद रजनी राठी सबसे आगे किसी काम में भी पीछे नहीं है किसे ये कर रही हूँ मैं व्लॉग एडिट और आज हेल्प मतलब चाय पता है क्यों पिला रहे हैं लाओ मुझे दे उठ क्योंकि इनका डेयरी का काम भैंसा का काम करना है ले पूजा पी ले चाय पिला के हमें भैंसों को पानी पिलाना है बारात चढ़न लाग रही है
ड्राइवर यो खड़ा गाड़ी का। अभी दिखाती हूँ जूम करके, मंदिर पे डांच रही है बारात। गाने की आवाज आ रही है आपने? ये तो नाच भी नहीं रहे, देखो ये तो नाच भी नहीं रहे, खड़े यहाँ पे फोन चला रहे हैं। मैं नाच लू, बाहर जाके नाच लो, यहाँ पे क्या होगा? मैंने नाचना छोड़ रखा है डांस करना। और ना तो मैं इतना डांस करा करती, मेरा बहुत शौक था अपनी दादी के साथ सत्संग में जाया करती। मोटा शरीर हो गया, शरीर भारी हो गया, ना कोई सा स्टेप ना जो मैं ना कर सकती। कैटरीना कैफ वाला भी तो मैं तो चलू भाई, अभी वैसा ना पानी पिया का हूं आज। बहुत कई साल में काम करूंगी आज जाकर डेयरी में, तो क्या पूरा घाटा बताओगे? तो अब मैं डेयरी में वैसा ना पानी पिया लू, या पूजा भी नु कह रही ना पियाना नहीं पानी, तो मैं अकेले पिया लू, कोई बात नहीं। उड़ा कैमरा चुकर पकड़ूंगी, कदे फोन पानी में पड़ जाए इस मारे कैमरा ना ले जा सकती मैं बाहर, जाडा चढ़ रहा हूं तो जाडा हो रहा है। झाड़ू बुला लो, आई तो थी आपने, हो गई मैं प्या दूंगी तू रहने। आई है बस देखने क्यों करके काम चल रहा है। दोनों माँ बेटी आ गई सुती उठ गए, ये क्या करवाऊंगी मैं तो अकेले कर दूंगी काम। भाई स्वागत है श्री राठी के ब्लॉग में, आज पहली बार आप ऐसा ब्लॉग देख रहे हो जिसमें मैं डेयरी में काम कर रही हूँ, क्योंकि आज तक मतलब मैंने बहुत दिन हो गए मैंने काम किया नहीं कभी डेयरी में, मतलब किया ही नहीं है ऐसा काम नहीं किया। थोड़ी बहुत देर वीडियो बनाने तो आ गई, डेयरी में नहीं काम कराया। तो कोई बात नहीं, जिंदगी में पता नहीं क्या करना पड़ जाए, काम से कभी नहीं डरना चाहिए। तो मैं तो डरती नहीं हूँ काम से, थोड़ी मोटी हो रही हूँ, थोड़ी पतली भी हो जाऊंगी डेली। अच्छा इनमें डालोगे? अच्छा है, पानी भी नहीं है, मैं ऐसे पानी पिला रही हूँ। बारात लेकर जा रही है बराती सारे, और ये भारी पड़ रहा है मुझ पे। मोहन के भाई का ब्याह पड़ा रजनी राठी पे भारी। तो भाई स्वागत है रजनी राठी के ब्लॉग में, जो लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट करके बताए मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो आज सारा भैंसों का पानी मैंने पिलाना है, सुबह का नार दूध दाध काट के सारा चले गए वेब, पानी पानी प्या का है बस, नुहानी नूनी को ना क्यों नुहाया तो मेरे तो जावे नहीं, मैंने बाहर जाना है तो पानी प्या दू, थोड़ा बहुत गोबर पाछा हटा दूंगी और कुछ नहीं। शांति आ लेंगे 5-6 बजे थी ब्याह दू करके, आग अपना दूध काट देंगे, क्योंकि मेरे बस का और तो है नहीं दूध नहीं इतना आता काटना, ज्यादा से ज्यादा एक भैंस का एक गाय का काट सकूं, उससे ज्यादा मैं दूध नहीं निकाल सकती सारी भैंसा का। तो आग काट देंगे वे दूध दाद, तो आज मैं काम निपटाऊंगी अभी फटाफट सारा, देखते रहना। भैंस गोबर बहुत पूछ बहुत मारती, मेरे से वाइट सूट सारा गंदा कर दिया, और भी बढ़िया पानी दिख पूरा बनने के बेरा रुक रुक का पियो है वो काम पानी नहीं पिए। लो जी बांट भेज दिया है, और भी आवेंगे 5-6 बजे तक, सारा काम निपटा दिया मैंने, वैसा गशानी भी थोड़ी थोड़ी गिर दी है, बांट बीज गया है, और इसे काम में शर्म नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, औरत आदमी का ना दाहिना हाथ हुआ है, और दोनों मिलकर चले ना तो काम ने नुकाग रहे ईसा बना दे, लोग देखते रह जा, सारी कहावत तो बनाती को ना कहनी, पर आपने पता है जाट आदमी क्या है, मैं कम नहीं होते है, बावड़ा अंगा हुआ जाट में क्या है, मैं भी कसर नहीं छोड़ते हैं, जा काम में लाग जाओ उसने पीछे नहीं हटा करते। तो आज मेरा हाल देख लो, यो मंडली है सारे कपड़े, सफेद कुर्ती थी सारी मंडली, कोई नहीं धुल जाएगी। तो मिलती हो अभी बना दो के आपको रेडी हो गए, इतनी मोटी लाग है तो मोटी हूँ तो मोटी लागूंगी यार, पतली लागूंगी यार की बात करें, इतना दिमाग तेरा में किसका आया इसी लागे एक और भैंस हाड़ा की।
भूख लगी क्या? जो लोग फालतू बोला ना जी तो कर रहे हम तो इतने गुस्से धरू बेरा लग गया जब जिम्मेदारी परिवार की पड़े है काम करना पड़े है सब चीजा में फिर बेरा लग गया ठीक है या तो खड़ी खड़ी ब्लॉग बनाने लग रही है इसने के मेरा भैंस लग रही जोड़ता क्या हाल हो गया मौसी का सारे कपड़े गंदे हो गए अब क्या करें आज जो है बच्चे बोल के गए थे कि मम्मा हमारा आते ही व्लॉग बनाना और बच्चे स्कूल से आ गए हैं गाड़ी छोड़ के चली गई इनकी कहाँ है आ गए क्या अंदर आज बोल रही थी गुड़िया आपको सरप्राइज मिलेगा मम्मा देखते हैं क्या सरप्राइज है ओहो अक्षित को तो मिला है मॉनिटर का बैच मॉनिटर बन गया ये है क्लास का है ना चलो ये गुड न्यूज सेकंड गुड न्यूज ओ भाई वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन किया दीदी को गुड़िया इतने सारे कैसे मिले कैसे मिले इतने सारे जैसे मिलते हैं ओ वाह मैं तो बहुत खुश हुई इन्हें देख के मुझे तो बहुत मजा आया तेरी मेहनत रंग लाई है ना है ना रंग लाई रंग मतलब गुल्ले के तो आई ना गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल लाई रंग नहीं लाई गलत चीज है चलो मॉनिटर का बैच उतार दो अच्छा चलो फटाफट से आज इतनी लेट कैसे हो गए अरे ट्रैफिक ट्रैफिक था चलो इधर वाली रोड भी बंद कर दी उधर वाली कैसा लग रहा है बुरा क्यों इतने सारे ये मेडल पहन के बुरा लग रहा है बकवास कर रही है ओहो क्या लेगी क्या लेगी आपने कहा था जब मैं मेडल लाऊंगी तो आप पर दो दोगी तब यानी सिल्वर पे पांच सिल्वर पे एक भी नहीं मिलेगा गोल्ड पे मिलेंगे नहीं, ये गुड़िया लेके आई पांच मेडल चार गोल्ड एक सिल्वर और अक्षित मॉनिटर का बैच लेके आया कुछ नहीं लेके आया तो क्यों नहीं ले आया भाई तू कुछ मेरा मन नहीं कर रहा था बकवास कर रहा है चलो फिर खाना खा लो फिर बात करते हैं ठीक है मम्मी? दाल रोटी अम्मी जान थक गई ये तो चले गए आज शादी में और पीछे से पुराली वाले बुला दिए इन्होंने इनका दिमाग भी ठीक है पता नहीं क्या है अब ट्रॉली घुस नहीं रही बेचारा अक्षित लगा पड़ा है आके रोटी भी नहीं खाई इन्होंने बच्चों ने मेहनत कर रहा है अब वो पता नहीं इसको क्या लगा रहा है जोड़ेगा तार सा लेके गया है कुछ ट्रॉली को बैक लेके आएंगे बैक लेके आके पीछे लेके जाएंगे वहां पे तू अक्की रोटी खा ले आजा ये कर देंगे अपने आप आ जल्दी आ जा अंदर रोटी भी नहीं खाई इन्होंने बता शाम के जो है 7:30 बज गए हैं और बच्चे सो रहे हैं अक्षित ये सो रहा है गुड़िया ये सो रही है पराली वाले पराली उतार के चले गए हैं और मोहन अभी आया है आज सारा काम रह गया मतलब लेट हो गए दूध पता नहीं जा पाएगा या नहीं जा पाएगा क्योंकि 7:30 तो बजी गए हैं और अकेला मोहन कैसे करेगा क्योंकि वो तो दुल्हन को लेके आएंगे गाड़ी लेके तो लेट हो जाएंगे 9 बजे तक आएंगे वो देखते हैं मोहन दूध निकाल के और सीधा पहले डाल के आएगा फिर न्यारा आकर डाल लेगा जैसे भी करेगा जो थोड़ा बहुत काम रहता है जैसे भी करेगा कर लेगा पर बच्चों को तो मैंने इसलिए सुला दिया अभी आज भी इनकी ट्यूशन की 4 दिन की छुट्टी है संडे तक छुट्टी है मंडे को जाना है इन्हें 5 तारीख को ट्यूशन पे उनके घर में फंक्शन है जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे तो बच्चों को इसलिए सुला दिया कि स्कूल से थोड़ा सा आते ही अक्षित ने तो काम किया था ट्रैक्टर वगैरह आगे पीछे किया था तो 4:30 बज गए थे काम खाना वाना खाने में बच्चों को दोनों को तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर आते ही नहीं पढ़ाती उनको रेस्ट करने दूँ थोड़ी देर इन्होंने फ़ोन देखा टीवी देखा उसके बाद ये अभी जो है सो रहे हैं मैंने इनको सोने दिया ताकि ये अब जो है आराम से उठेंगे रिलैक्स हो जाएंगे उठ के जो है एकदम से ऐसे भारीपन नहीं लगेगा अभी सुबह से स्कूल में थे और आते एकदम से पढ़ाऊं तो क्योंकि पेपर है 12 तारीख से इनके तो अब इनको मतलब कि उठा दूंगी 8 बजे उठा के खाना खिला के
और फिर मैं इनको पढ़ाऊंगी 12 बजे तक। कल संडे है तो आराम से उठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 बजे तक आराम से एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कर लेंगे दोनों के दोनों, अच्छे से पढ़ लेंगे रिलैक्स होके, क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सो के, बंदा अच्छे से रिलैक्स होके अच्छे से पढ़ाई होती है। तो खाना वाना सब हमारा हो गया, मैंने रोटियां सेक के रख दी, हस्बैंड की भी रोटी सेक के रख दी है वहां से, तो वैसे ही खा के आएंगे। और पूजा चली गई अपने घर पे, उनके घर पे पेंट रूम में तो हो गया उसके पेंट, और रूम में लग रही है अभी थोड़ी बहुत, मतलब एडजस्ट करने रूम को। और उसने रूम में ना पेंट, मेरे रूम में तो सारा एक कलर हुआ हुआ है, मुझे यही कलर पसंद है। और उसके उसने बताया ब्राउन कलर सामने वाली दीवार पे करवाया, क्योंकि उस पर टेक्सचर हो रहा था पहले ही, तो वो उतारने में काफ़ी टाइम लगता, तो फिर उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ही करवा लो अच्छा लगेगा। उसने ब्राउन कलर करवाया, बाकी में थोड़ा सा लाइट ही कलर है, मेरे से थोड़ा क्रीम शेड है, मेरा हल्का वाइट और ब्लू सा है, थोड़ा लाइट ब्लू सा। तो हस्बैंड अब आएंगे, पता नहीं किस टाइम तक काम निपटेगा नहीं निपटेगा आज। अब मैं तो बच्चों को पढ़ाऊंगी, अभी मुझे रील भी बनानी है। अक्षय को देखो इतने खराटे मार के सो रहा था, पूरा थक जाता है। मैं अभी कपड़े चेंज कर लूँ, थोड़ी सी गुड़िया को उठा दूँ, रील बना लूँगी जो पेंडिंग पड़ी है रील, देखते हैं क्या क्या रहता है काम, कितने बजे आएगी दुल्हन, दुल्हन को उतार के जब आएंगे वे। डेविल को देखो आते ही कितना खुश हो गया इन्हें देख के, पूरा दिन से मिले नहीं ना, मिला आते ही हाँ खुश हो गया। आज इस दिन में दूध रोटी खाता है, अब दो तीन रोटी खा लेगा आराम से, जंप हो गया ना थोड़ा तगड़ा सा। देखो भाई गाड़ी आ गई है, ये देखो दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, इतनी अच्छी गाड़ी सजवाई थी इन्होंने। और जहाँ फोटो तो लिया ही नहीं, तुम्हारा तो दिमाग कैसा ही है। मैंने कहा था देखो पूरी पे टेप लग रही है, गुलाब लगवा रखे थे, पूरी गाड़ी पे गुलाब लगवा रखे थे। ऐसे गांव में बारात गई है, ऐसे गांव में गई है, एक फूल तक भी नहीं छोड़ा, एक ऊपर भी देख लो, ऊपर भी छत पे भी एक भी गुलाब नहीं छोड़ा यार। तो मैंने तुझे पहले यूं कहा था कि है ना अच्छी जगह गाड़ी खड़ी है, दुल्हन तो आई नहीं इसमें बैठ गए, मतलब ढंग से सजी हुई में फिर क्या फायदा होया, सजवा के दुल्हन के लिए ले गए थे। तो कहते सुनते क्यों नहीं, तू खड़ा रहता वही, तुम्हें क्या बार दुआरी देखने की क्या जरूरत थी। एक भी गाड़ी पे एक भी फूल नहीं छोड़ा, और मैंने स्पेशल नू गई थी कि बढ़िया वाले गुलाब लगवा कर जाइयो। बदतमीज बच्चे थे जिस गांव के, जिसमें से फूल तोड़ लिए सारे, ये पौधे छोड़ दिए, आते मारेगा मेरे। सुनो 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 तो कराओ, कितने में हुए, कितने में हुई थी गाड़ी है? 900 में करवा देना फिर। मैं तो 1500 मांग रहा था। कहाँ से करवाई? भगवान को, मेरा दोस्त निकल गया। अच्छा वो ऐसे निकल गया, मैंने उसे जैसे वो कहना भाई कौन से जावा गाड़ी, कहने का आ रहा जी अंदर से, मगर ठीक है भाई। फिर जैसे वो आया मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार पहले तो उन्होंने कहा जी 1500 रुपये, मैंने कहा यार तेरी शक्ल कुछ मिलती जुलती सी लग रही मुझे कुछ यार, कह किससे मिलती जुलती, मैंने कहा यार साजिद से मिलती जुलती लग रही कुछ, कहना साजिद तेरा क्या कॉन्टेक्ट है, मैं दोस्त है यार मेरा साजिद, कहना मेरा भाई है जी बड़ा, मैं फिर तो कर दे भाई जो लेगा ले लिया। फिर मैंने उसे 1000 दिया, फिर 100 वापस कर 900 लिया। अच्छा तो फिर एक काम करना, देखो अभी तो वेट लूज कर लूँ मैं थोड़ा, अच्छा सा लहंगा ले गया भाई, गाड़ी सजवा लेना एक बार, मेरे को बढ़िया वीडियो बनवानी है, ठीक है। भोजन हो रहा है, बारात में से आके भी भोजन घर पे, दाल रोटी पसंद आती है, पनीर नहीं खाया वहां, पनीर नहीं खाया, ये अपने हरियाणा की तरिया नहीं खाते, यहाँ पे दूध नहीं पीते रोटियों की गेल, ये तो बस खाली सीधा न्यू खाऊ में गुड़ घी गेर के बस। अचार ही नहीं बहुत पसंद है, अचार खाते हैं साथ में, मतलब अचार तो चाहिए किसी ना किसी चीज का। 10 बजने वाले हैं तो हम जा प्लान तो बना रहे थे पूजा के जाने का, ये तो पूरे रेडी भी हो गए हैं, फिर पता लगा चाचा तो सो भी लिए। आज चाचा का ट्रैक्टर आया हमारे, जो वो पीछे बताया था ना चोरी हो गया था, मतलब चोरी के ट्रैक्टर जो बेचे थे, तो उनमें से हमारे चाचा का भी एक ट्रैक्टर चोरी आड़ा है, बेच रखा है किसी ने बीच आड़े ने, तो मतलब वो एजेंसी में ही कोई घपला हो रहा था, वो कई ट्रैक्टर थे तो उनके बेचारे फिर ये 6 महीने में जमा करके आने पड़ते हैं ट्रैक्टर थाने में। क्या सिस्टम है बताइयो तुम मुझे तो इसके बारे में। इंक्वायरी का है, एक दिन इंक्वायरी वगैरह बुलाया था, पता चलेगा मैं क्या रिजल्ट देते हैं कि बहाल होंगे नहीं होंगे। क्या होता है मतलब क्या सिस्टम था ये? सिस्टम ये था कि इसमें जो बीच वाले एजेंसी वाले थे, किसी ने बीच में ऐसा किया हुआ, किसी का 6-6 नंबर चेंज कर दिया
और किसी का इंजन नंबर चेंज कर दिया, और ट्रैक्टर नए नए बोनट लगा के किसी को 20,000 किसी को 30,000 कम करके ऐसे बेच दिए, और आधे लालच में ले ही लेता है। और उन्होंने नाम भी करा दिए ट्रैक्टर हमारे, लेकिन उसमें क्या है कि वो पीछे से ही फॉल्ट था उसमें। अब आरसी से आरसी ट्रांसफर हो ही गई, जब पिछले बारे नाम थे उसने आरसी करके ट्रांसफर हमारे नाम करा दी यूपी नंबर। लेकिन समस्या तो ये है कि अब वो इंक्वायरी तो अंदर से कर रहे ना, एक चीज चेक कर रहे हैं, पता उसमें फॉल्ट आ रहा है। तो जमा होता है साल 6 महीने में ट्रैक्टर थाने में एक बार, तो परसों जमा हुआ था, 3-4 दिन हो गए। हाँ 3-4 दिन हो गए जब जमा हुआ था, तो आज आया वो ट्रैक्टर, तो उसके बारे में पूछने जा रहे थे आज चाचा से। चाचा तो सो गए, फिर मैं तो सुबह जाऊंगी, अभी जाने का कोई मन नहीं है, फिर बच्चा ने पढ़ा लूं और क्या होगा। तो कलर तो डालती है, सामान हटा यहाँ से, खाली करो अपना बेड, सही कर लो जल्दी से, चलो बेड सही करो फटाफट से, और बैठ के पढ़ाई करो। ये मैंने प्रेस के कपड़े बांध दिए यहाँ पे, और अभी चाय वगैरह बना लूं जो पियेंगे, बच्चों का दूध बना दूं आराम से। हाँ जी, बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी सारा काम निपट गया है, खाना खा लिया। अब पूजा के घर पे नहीं जा रहे हम, पूजा के घर पे सुबह जाऊंगी मैं, देखने पेंट वेंट कैसा करवाया कैसा नहीं। और जो है आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। तो भाई एक दिन ना मैं ऐसे वो बनाऊंगी वीडियो, जिसमें सभी के जो भी यूट्यूब पे मेरे कमेंट करते हैं सभी के कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। जैसे कि संडे टू संडे शायद अभी मतलब ऐसे ही रहेगा, थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ काम में, आपको पता है मैं अपनी प्रॉब्लम बता देती हूँ कि भाई फैमिली है तो काम ज्यादा रहता है थोड़ा सा, और इस वजह से मैं ज्यादा मतलब व्लॉग बना नहीं पाती, सीधा फिर फोन को ज्यादा व्लॉग बना नहीं पाती हूँ। और एक दिन सबके रिप्लाई करूंगी, सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगी, तो जो भी कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरे व्लॉग में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू।